हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? वेलकम टू टॉप मस्ट। दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री के मल्टी टैलेंटेड एक्टर रहे हैं अभिनेता गौरव चोपड़ा, जिन्होंने कभी शो होस्ट के तौर पर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया तो कभी ये सीरियल में अपने अलग अलग अंदाज से दर्शकों के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें इनकी पर्सनल लाइफ भी नहीं भूलनी चाहिए, जिन्होंने अपनी असल लाइफ में एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करने की वजह से खूब सुर्खियां बटोरी है। ये अब अपने प्यार को खुद से भी ज्यादा चाहते थे, पर बावजूद उसके पर जब बात आई शादी की, तब गौरव चोपड़ा ने अपने माता पिता की पसंद की गई लड़की के सामने अपने प्यार को ठुकरा दिया। जी हाँ, आपके फेवरेट एक्टर गौरव चोपड़ा ने अपनी पसंद की नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स की पसंद की लड़की से शादी की है। आखिरकार ऐसा क्या मजबूरी आन पड़ी कि गौरव चोपड़ा को अपने पेरेंट्स के आगे अपने प्यार को कुर्बान करना पड़ा? चलिए जानते हैं। पर इससे पहले गौरव चोपड़ा के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। छोटे पर्दे और बड़े पर्दे के साथ साथ बॉलीवुड फिल्म में मैदान में भी अपनी ब्रिलियंट एक्टिंग का रंग बिखेर चुके अभिनेता गौरव चोपड़ा आज एक्टिंग के दुनिया के सफल अभिनेता में से एक है। वहीं दूसरी तरफ ये अपने पर्सनल लाइफ को लेकर भी हमेशा चर्चाओं का विषय बने हैं, जहां इन्होंने एक वक्त में एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करने की वजह से दर्शकों द्वारा जमकर चर्चाएं बटोरी थी। पर बावजूद इसके इन्होंने अपने पेरेंट्स द्वारा पसंद की गई लड़की को अपना जीवन साथी चुना और अपने पहले प्यार को भी ठुकरा दिया। दरअसल अभिनेता गौरव चोपड़ा जिस लड़की से प्यार करते थे वो कोई और नहीं बल्कि टीवी की गॉर्जियस एक्टर मौनी रॉय है। बता दें कि पति पत्नी और वो शो के दौरान एक दूसरे से मिले मौनी रॉय और गौरव चोपड़ा की प्यार का दास्ता भी यहीं से शुरू हुआ था, जहां साथ काम करने के दौरान ही दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे और दोनों काफी लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी रहे थे। दोनों ने अपने इस रिलेशनशिप को शादी तक पहुंचाने का फैसला भी कर लिया था, पर जब इस लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप के बीच मोहित रैना की एंट्री हुई तब गौरव और मौनी रॉय एक ही पल में एक दूसरे से बिछड़ गए और फिर मौनी रॉय ने गौरव चोपड़ा का बीच में ही साथ छोड़कर मोहित रैना का हाथ थाम लिया था, जिन्होंने देवों के देव महादेव में साथ काम किया था। वहीं दूसरी तरफ गौरव चोपड़ा के माता पिता भी गौरव के लिए बेंगलुरु की फेमस फैशन डिजाइनर हितेशा चिरेंद्रा को चुन चुके थे। और मौनी रॉय से ब्रेकअप के बाद गौरव चोपड़ा ने भी अपने माता पिता द्वारा पसंद की गई लड़की को ही अपना जीवन साथी चुनने का फैसला कर लिया था, जिसके बाद देर ना करते हुए जल्द ही साल 2018 में गौरव ने हितेशा को अपनी जीवन संगनी के तौर पर स्वीकारा। आज दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश हैं। दोनों की जोड़ी को न सिर्फ भारत के लोग ही नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया के लोग भी बेहद ही पसंद करते हैं। तो दोस्तों, क्या मौनी रॉय द्वारा गौरव चोपड़ा का हाथ इस तरह बीच सफर में ही छोड़ देना ठीक था या गलत? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड की ऐसी ही चटपटी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूले। मिलते हैं आपको ऐसी ही चटपटी मसालेदार खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।